किसान मोर्चा के आह्वान पर महामाया चौक गांधी प्रतिमा के समक्ष सोमवार को दोपहर मध्य प्रदेश किसान जागृति संगठन ने धरना देकर जमकर नारेबाजी कर विश्वासघात दिवस मनाया गया। विश्वासघात दिवस पर संगठन प्रमुख इरफान जाफरी, राजेंद्र बाबू राय, रज्जू भैया ने कहा कि सत्ता में बैठी केंद्र प्रदेश की सरकारें अहंकारी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ तानाशाही करने पर ही उतारू है। केंद्र सरकार ने किसानों को लिखित आश्वासन के बाद भी सरकारों द्वारा कोई कार्यवाही न करना किसानों के साथ धोखा, छल, कपट और विश्वासघात किया है, लेकिन किसान इस विश्वासघात को बर्दाश्त नहीं करेगा। केंद्र में बैठी मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है, इसी का जीता जागता उदाहरण लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री के बेटे द्वारा बेलगाम कार से कुचलकर किसानों का नरसंहार किया गया था। इसके बाद भी केंद्रीय मंत्री के बेटे पर अभी तक कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई, उसे बचा लिया गया। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार पूंजीवादियों की सरकार है, किसानों गरीबों के साथ किस तरह तानाशाही करने पर उतारू है। एक और उदाहरण लगातार चल रहा है किसान आंदोलन है, किसान देश का अन्नदाता है, सरकार को उनकी तकलीफ भी नहीं दिखाई दे रही है। किसान सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार राय, रज्जू भैया संगठन के जिलाध्यक्ष रंजीत यादव ने कहा कि हम समर्थन मूल्य गारंटी कानून लेकर ही रहेंगे, यथा केंद्र के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करो। इस अवसर संगठन प्रमुख इरफान जाफरी, प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार राय, तुलसीराम जिलाध्यक्ष रंजीत यादव, जाहिद खान शाहपुर, बशीरुद्दीन खान, ओमकार यादव, नारायण सिंह मीना, मुकेश सिंह, निरपत सिंह, निहाल सिंह सहित अन्य किसान मौजूद थे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रायसेन से शिवलाल यादव की रिपोर्ट। आज संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली ने पूरे देश भर में विश्वासघात दिवस मनाने का आह्वान किया है। उसी तारतम्य आज रायसेन जिले के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा रायसेन द्वारा विश्वासघात दिवस मनाया गया। आज जो विश्वासघात दिवस है, जो केंद्र सरकार द्वारा लिखित में किसान संगठनों को आश्वासन दिया था कि कमेटी बना के किसानों की मांगों पर विचार किया जाएगा, MSP कानून बनाया जाएगा और जो अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी की भी बात उसमें थी, बस केंद्र सरकार अपने किए हुए वायदे से पलट गई है, जिसके विरोध में आज पूरे देश के अंदर विश्वासघात दिवस मनाया गया है। इरफान जाफरी, प्रमुख किसान जागृति संगठन।